नमस्कार, मैं रिया शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन बम्बई में रखी गई थी भारतीय सिनेमा की नींव। भारतीय सिनेमा के इतिहास में 7 जुलाई का खास महत्व है। दरअसल 7 जुलाई 1896 को फ्रांस के सिनेमेटोग्राफर ल्यूमीर भाइयों ने भारतीय सिनेमा की नींव रखी थी। इन दोनों ने इस दिन बम्बई के वाटसन होटल में 6 फिल्मों का प्रदर्शन किया था। इन फिल्मों को देखने के लिए टिकट की कीमत 1 रुपए रखी गई थी और उस समय के समाचार पत्रों ने इसे सदी का चमत्कार बताया था। बम्बई का ये शो सुपरहिट रहा और इससे प्रेरित होकर कलकत्ता और मद्रास में भी फिल्मों का प्रदर्शन होने लगा और भारतीय फिल्म निर्माण का रास्ता खुल गया। आज के दिन महाराजा रणजीत सिंह ने किया था लाहौर पर कब्जा। महाराजा रणजीत सिंह ने 19 साल की उम्र में 7 जुलाई 1799 को लाहौर पर कब्जा किया था। इसके बाद उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। छोटी सी उम्र में चेचक की वजह से महाराजा रणजीत सिंह की एक आंख की रोशनी चली गई थी। जब वह 12 वर्ष के थे तब उनके पिता का निधन हो गया था और राजपाट का सारा बोझ उनके कंधों पर आ गया था। 12 अप्रैल 1801 को रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि ग्रहण की थी। गुरु नानक के एक वंशज ने उनकी ताजपोशी संपन्न कराई थी। आज के दिन हुआ था टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का जन्म। झारखंड की राजधानी रांची में 7 जुलाई 1981 को महेंद्र सिंह धोनी का जन्म हुआ था। धोनी की सफलताओं को देखते हुए उन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। माही के नाम से लोकप्रिय धोनी ICC की तीनों विश्व प्रतियोगिताएं जीतने वाले इकलौते कप्तान हैं। कैप्टन कूल के नाम से प्रसिद्ध धोनी अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत में बहुत ज्यादा आक्रामक बल्लेबाजी करते थे और चौकों छक्कों की बरसात कर देते थे। धोनी क्रिकेट की किताब में लिखे शॉर्ट कम और अपनी खोजी हुई तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आज के दिन कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे कैप्टन विक्रम बत्रा। कारगिल के 5 सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जीतने में प्रमुख रोल निभाने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा 7 जुलाई 1999 को युद्ध में शहीद हो गए थे। परमवीर चक्र विजेता विक्रम बत्रा की 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में 6 दिसंबर 1997 को लेफ्टिनेंट के पद पर ज्वाइनिंग हुई थी। 2 साल में वह कैप्टन बन गए थे। बंकर में कैप्टन बत्रा के साथ ही नवीन के पैर के पास एक बम फटा और वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इस पर कैप्टन बत्रा ने तुरंत उन्हें वहां से हटाया। इससे नवीन की जान बच गई, लेकिन आधे घंटे बाद कैप्टन बत्रा एक और ऑफिसर को बचाते हुए शहीद हो गए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।